अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जी मलिक सरफराज दोहा कतर से बोल रहा हूँ। मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ, बड़ा खूबसूरत किस्म की एक बात जो मैंने आज नोट की है। मैं बीमार था, यानी आपको पता ही है कि हम लोग जब कतर आते हैं तो अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए या अपनी महीने की या दो महीने की दवाइयाँ लेने के लिए अपने फैमिली क्लिनिक में जाते हैं। तो चूंकि काफ़ी अरसे में हम कतर में रह रहे हैं, तो शुक्र उसकी ज़ात का अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं, बड़ी लुक आफ्टर, बड़ी सुपरविजन करते हैं, इस चीज़ की बड़ी केयर करते हैं। तो मैं जब डॉक्टर साहब के पास अंदर गया तो उसने जाते ही, जब मैंने दरवाज़ा खोल के नाक करके अंदर गया अपना चेकअप कराने के लिए, तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी लिख के देनी थी, मेरा फुल बॉडी का ब्लड टेस्ट भी था, उन्होंने सब कुछ करके देना था। तो जब मैं दरवाज़ा करके बैठने लगा तो उन्होंने मुझे सबसे पहले सवाल किया कि एक्सक्यूज मी, यू आर द पाकिस्तानी? मैं कह यस सर, आई एम पाकिस्तानी। यकीन कीजिए कि उसने अपने दोनों हाथ उठाए, कसम खुदा की दोनों हाथ उठाया, और कतरी डॉक्टर था, और उसने दोनों हाथ उठाया और आसमान की तरफ देखते बोलता है, या अल्लाह हमारे पाकिस्तान को महफूज रख। उसने ये नहीं बोला कि तेरे पाकिस्तान को, उसने बोला हमारे पाकिस्तान को, बोलता आई एम अरब एंड वी प्राउड टू यू ऑन द पाकिस्तान। अब पाकिस्तान किला है इस्लाम का, उसने बोला पाकिस्तान को हम दिल जान से मानते हैं। खुदा की कसम, वो उसने मास्क पहना हुआ था, मास्क उतार कर जारों कतार रोने लग पड़ा, बोलता पाकिस्तान जो है वो हमारा रखवाला है, वो हमारा चौकीदार है, उम्मा मुस्लिम है उम्मा का, और आज पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। रो पड़ा खुदा की कसम, 10 मिनट मेरे साथ पाकिस्तान की बातें करता, दुआ करो मिलके मेरे पाकिस्तान को नजर लग गई, अल्लाह पाक से हमेशा मुसीबतों से आजाद करे, और मेरा पाकिस्तान हमेशा पूरे मुस्लिम उम्मा का सरबा बन कर रहे। आमीन आमीन।